नाइन न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों एक बार फिर से हमारे चैनल में। यहाँ मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति बात करने वाली हूँ आप सबके बीच एक बार फिर से गुजरात के बारे में। गुजरात विधानसभा चुनाव का दिल ताम कर इंतजार कर रही है जनता, जनता भी फैसले सुनाएगी। हमेशा की तरह जनता के हाथ में है वो ताकत जो की किसी को भी कुर्सी पर बैठा सकती है और किसी को भी कुर्सी से नीचे धड़ाम से गिरा सकती है। जनता की ताकत के बलबूते गुजरात की सरकार इस बार फिर बदल जाएगी या फिर गुजरात में दबदबा बीजेपी का बना रहेगा, सवाल तमाम है। इन सब के बीच गुजरात के मंत्री अरविंद हिरानी पर जब जमकर नोटों की बारिश हुई लोग काफी हैरान रहे। इस पर हम चर्चा करेंगे। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी जगह बनाने के लिए चोटी का प्रयास करती नजर आई, आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया, आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। और कांग्रेस की बात कर लीजिए, कांग्रेस की स्थिति तो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर से मुलाकात कर हाई लेवल मीटिंग बैठा कर सोनिया गांधी अपने आवास में जिस प्रकार से आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लक्ष्य बना रही है, बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने के लिए कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी इशारे किए हैं क्योंकि उन्हें उम्मीदें हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि गुजरात में जिस मंत्री पर नोटों की बारिश हुई है उसके बाद जो है जनता उन पर काफी ज्यादा भड़की है। आपको ये बताना चाहेंगे, जनता इस तरह से कह रही है कि ये जो है इस प्रकार से आम लोगों का विकास किया जाता है केंद्र द्वारा। जी हाँ, आपको बता दें कि शायद आपने सुना ना हो लेकिन अरविंद नाम के जिस मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं जिन पर नोटों की बारिश से लोग काफी भड़के हैं, गुजरात में सूबे के मंत्री अरविंद रेवाणी की बात की जाए तो उन पर नोटों की बरसात ने सोशल मीडिया पर ईडी और इनकम टैक्स को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल हुआ जो कि एक भक्त संगीत कार्यक्रम का है जिसमें नोट बरसाए गए हैं, स्टेज पर नोटों का ढेर लगा और उसमें नोटों की बरसात हुई है अरविंद रेवाणी पर जो गुजरात सरकार के अंदर मंत्री हैं। ये देखकर लोग काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए, 500 के नोट बरसाए गए हैं और यूजर्स जो है प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स से सवाल कर रहे हैं। अब क्या यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय कोई जवाब नहीं मांगेगी? केंद्र सरकार के अंदर काम करने वाली ईडी और अगर बात की जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ उन सभी राज्य में ही इस तरह की शिकंजा बोलती है जहां पर भाजपा सरकार नहीं है? अभी आपको बता दें कि राजकोट से विधायक है अरविंद रेवाणी जिनका वीडियो वायरल हुआ, गोंडल तहसील के दर्डी गोभांजी गांव का वो वीडियो है जहां 16 अप्रैल की तारीख यानी कि कल रात को भक्त संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहां पर बीजेपी विधायक पर लोगों ने जमकर नोटों की बारिश की है। सिर्फ अरविंद नहीं है बल्कि बीजेपी के कई विधायक बताए जा रहे हैं। देखते ही देखते पूरा स्टेज नोटों से भर गया था। गुजरात के एक फेमस लोक गायक भी वहां पर बुलाए गए थे। तो वही आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम के लोक डायरो कहते हैं कि कलाकारों पर नोट बरसाए जाते हैं लेकिन परिवार के अलावा बड़ी संख्या में लोग भी वहां शामिल थे, रेवाणी के परिवार। यहाँ पर आपको बता दें कि पैसे का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों जैसे कि मंदिर या गौशाला का निर्माण, सामूहिक विवाह और भंडारे से लेकर आदि के लिए खर्च किया जाता है। लेकिन देखिए स्थिति कैसी है, हनुमान जयंती के मौके पर राज्य में जगह जगह भगवत कथा, राम कथा, शिव कथा और राम के समय लोक डायरे का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर देखिए मस्जिद में जबरन झंडा बांधा गया था और वो काफी ज्यादा खराब था स्थिति जो कि बीजेपी को मुसीबत में डालता नजर आया। और अब देखिए रियाज नाम के एक शख्स ने ट्विटर पर ये वीडियो देखकर कहा है कि आखिर अब शिकंजा क्यों नहीं कसे जा रहे, उत्तर प्रदेश में क्यों व्यस्त है। इसके अलावा मुकेश कुमार ने कहा, कभी ऐसा दिन नसीब होगा क्या जिस गरीब को एक वक्त की दाल रोटी नसीब नहीं होती, इस पर नोटों की बारिश हो जाए, जितने नोट उड़ेंगे उससे न जाने कितने नोट का उड़ाने वाले को फायदा होगा। बिल्कुल, महंगाई में अपनी जान से ज्यादा प्यारे नोट कौन उड़ाना चाहेगा। देखिए भ्रष्टाचार और जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई उड़ा रहे हैं, अंजलि अरोड़ा ने भी ये कहा और ऐसे सरकार को घेरा गया है। फिलहाल वक्त हो गया है आप सबसे इजाजत लेने का, देखते रहे बाकी तमाम देश दुनिया की खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।